इमलेश मिलते ही बोलता है, भाई चल घूम के आते हैं। मोनिश के मना करने के बावजूद जिद करने लगता है। फिर मोनिश रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है और चारों दोस्त घूमने निकलते हैं। और जब घूमने निकलते हैं, जिस प्रकार से गाड़ी की कंडीशन है, गाड़ी की हालात है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं किस गति से ये गाड़ी चल रही होगी और जो हादसा हुआ होगा वो कितना दर्दनाक होगा और अंदर बैठे लोगों के साथ क्या कुछ हुआ होगा इस हादसे के बाद। स्पीड में अनियंत्रित होने की वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और गाड़ी सीधे, जैसा किसी फिल्मों में होता है, फिल्मों कल रात दुर्ग जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीर में आप कार को देख पा रहे होंगे, होंडा की अमेज कार है जो टैक्सी के रूप में प्रयोग किया करते थे। उस कार की हालत देख के आप समझ सकते होंगे कि ये हादसा कितना दर्दनाक होगा, क्योंकि जिस टायर के पास मैं खड़ा हूँ वो पूरा टूट कर अलग हो चुका है अपनी गाड़ी से। सामने के शीशे टूट चुके हैं, ऊपर से गाड़ी बैंड हो चुकी है, एक तरफ से पूरी तरीके से गाड़ी को नुकसान पहुँच चुका है। और यही अंदर का मंजर दिखाएं तो जो दोनों सीट है वो सामने की तरफ झुक चुका है, स्टेयरिंग टूट चुकी है और इसके साथ ही बैक सीट भी उखड़ चुकी है और अंदर मौजूद है चप्पल। अब क्या हादसा हुआ आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल होली की दूसरी रात यानी कल की रात 12 से 1 बजे के दरमियान चार दोस्त होते हैं, वो घूमने के नाम से निकलते हैं, जिसमें से एक, चारों के नाम आपको बता दूं, जो चार दोस्त हैं, मोहनीश उर्फ मोंटी उम्र 24 वर्ष, पेशे से टैक्सी ड्राइवर था और ये कार उसी की थी। उसका दोस्त इमलेश उर्फ ईमू उम्र 17 वर्ष, एक और दोस्त राम जाने उर्फ कालू उम्र 17 वर्ष, धर्मेंद्र जिसकी भी उम्र 17 वर्ष। ये चारों दोस्त रात को घूमने निकलते हैं। जब मोनीश बुकिंग पे गया होता है, अपने कस्टमर को ड्रॉप कर कर वापस घर लौटता है, जैसा कि आप गाड़ी नंबर देख सकते हैं CG04LE8121, टैक्सी येलो नंबर प्लेट गाड़ी है, मतलब टैक्सी है, ओला में ये गाड़ी चलती है, अपने कस्टमर को ड्रॉप करके वापस आता है, तब उसे इमलेश मिलता है। सिकोला बस्ती खुशी पैलेस के पास ये चारों रहते थे। इमलेश मिलते ही बोलता है, भाई चल घूम के आते हैं। मोनिश के मना करने के बावजूद जिद करने लगता है। फिर मोनिश रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है और चारों दोस्त घूमने निकलते हैं। और जब घूमने निकलते हैं तो धमधा नाका के पास एक ढाबा मौजूद है। उस ढाबे के ठीक सामने गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तार से होती है, जैसा कि हमें पता चल पाया, लगभग 120 की स्पीड से भी ज़्यादा की रफ्तार में ये होंडा अमेज रहती है और स्पीड में अनियंत्रित होने की वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और गाड़ी सीधे, जैसा किसी फिल्मों में होता है, फिल्मों की तरह गाड़ी कुछ फिट हवा में उछलती है और पलटी होकर काफ़ी दूर तक रगड़ाती है। आप यहाँ का डेंट देख पा रहे होंगे, ये गाड़ी जैसे ही पलटी होती है यहाँ दबाव पड़ता है और जो अंदर शख्स मौजूद होते हैं उनको गंभीर चोट आती है। और इस हादसे में दो शख्स, कार चालक जो है मोनिश उर्फ मोंटी और जो घूमने गए जाने के लिए बोलता है ईमू उमलेश उर्फ ईमू, ये दोनों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी जो दो दोस्त हैं उनमें से एक को जामुल अस्पताल में भर्ती कराया गया, दूसरे को दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उनका उपचार चल रहा है मगर दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस प्रकार से गाड़ी की कंडीशन है, गाड़ी की हालात है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं किस गति से ये गाड़ी चल रही होगी और जो हादसा हुआ होगा वो कितना दर्दनाक होगा और अंदर बैठे लोगों के साथ क्या कुछ हुआ होगा इस हादसे के बाद। अब इस पूरे हादसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कार चालक ने शराब पी हुई थी। मगर परिवार वालों से बात करने के बाद और जैसा कि बताया जा रहा है कि अपने कस्टमर को ड्रॉप कर कर आया था तो शराब नहीं पीने की उम्मीद ज़्यादा है, मगर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा कि क्या ये चारों या फिर चारों में से कोई भी शराब का सेवन किया हुए थे कि नहीं, क्योंकि अधिकतर एक्सीडेंट हम देखते हैं हादसे जो शराब के नशे में किए जाते हैं। इतनी बुरी तरीके से हादसा हुआ है कि यहाँ से लॉक होने के कारण डोर ओपन भी नहीं हो रहा है और जो अंदर का मंजर है पूरी तरीके से कार तहस नहस हो चुकी है और जो शख्स अंदर मौजूद थे उसमें से दो की मृत्यु हो गई है और दो गंभीर रूप से घायल हैं। अब इस मामले में क्या कुछ जांच होता है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, जैसे ही दुर्ग पुलिस को कल सूचना मिलती है, दुर्ग पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच करना शुरू कर देती है। जांच करते करते पुलिस को पता चलता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई अन्य गाड़ी की, ना ही कोई ट्रक चालक की, ना ही किसी की कोई लापरवाही नहीं है, ये अपने खुद की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। अभी क्या कुछ रिपोर्ट में सामने आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि शव को मर्चुरी में रखा गया है, वहाँ पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा।
क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आती है, हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। जब तक के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये बीते रात की घटना है जिसमें कि एक कार चालक के द्वारा स्वयं से डिवाइडर में टकरा जाने से उस कार का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने पे दो लोगों की मृत्यु हुई और बाकी दो लोग घायल हैं, ऐसा सूचना मिली थी। अभी घायलों का उपचार चल रहा है और जो मृतकों के संबंध में भर कायम कर उसमें जांच की जा रही है।